हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग टू यू. वेलकम बैक अगेन. सो लेट्स बी डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? द नंबर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? द नंबर अरेंज फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. बट वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द टूडेज क्लास, हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? सो लेट्स, वी शुड डू सम फन विथ नंबर्स. तो आज का क्लास है हमारा कंपेरिजन ऑफ नंबर्स. आपने ये वर्ड सुना होगा कंपेरिजन. हम कंपेरिजन कब करते हैं? आपके स्कूल में जब भी कभी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस वक्त आपके फ्रेंड्स को या फिर आपको कुछ तो भी मार्क्स मिलते होंगे ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फ्रेंड्स को 90 मार्क्स हैं और अगर आपको 95 मार्क्स हैं तो उस टाइम हम कंपैरिजन करते हैं, है ना, दैट यू शुड गेट अ मोर मार्क्स दैन योर फ्रेंड. अगर हम कभी मार्केट में जाते हैं तो उस टाइम भी हमें अगर कुछ प्रोडक्ट्स लेने हों तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं. इट मीन्स दैट कंपैरिजन वर्ड इज़ फैमिलियर विद अस. सो लेट्स सी द हाउ द नंबर्स आर कंपैरिजन. ओके, आज हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं. आपने 2 या 3 डिजिट्स का कंपैरिजन किया होगा, बट आज की क्लास में हम 4 और 5 डिजिट्स का कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज मीन बाय कंपैरिजन? कंपैरिजन मीन्स व्हाट? सो बेसिकली वी कंपेयर समथिंग. ओके, सो व्हेन 2 नंबर्स आर कंपेयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. सो जस्ट आई टेल यू द वन एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पे मैं कुछ बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, आई जस्ट ड्रॉ हियर 4 बॉक्स एंड द सेकंड आई जस्ट ड्रॉ हियर सम फ्यू बॉक्स. यहाँ पे भी मैंने कुछ बॉक्स निकाले हैं. सो लेट्स, वी शुड काउंट इट, हाउ मेनी इट इज? 1, 2, 3 एंड 4. सो ये कितने बॉक्स हो गए? 4. एंड दिस वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. हियर इज द 8 बॉक्स. तो अब ये हम बहुत ईजीली जान सकते हैं कि इसमें से स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है, जान सकते हैं ना. सो वी नो वेरी वेल दैट द 8 इज बिगर दैन द 4. तो हमें इसके लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? एक साइन देना पड़ेगा. सो दिस वन इज द साइन ऑफ ग्रेटर दैन. तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ते समय हमें सबसे पहले उसके साइंस पता होने चाहिए. सो लेट्स, आई वांट टू टेल यू द व्हाट आर द साइंस ऑफ कंपैरिजन. सो द फर्स्ट वन साइन इज दिस वन. ओके, ऐसा ओपन माउथ का साइन है ना. तो ये साइन हम इसको क्या कहते हैं? दिस साइन इज द ग्रेटर दैन. व्हाट इज ये साइन है? ग्रेटर दैन का मीन्स व्हेन वी वांट टू शो एनी नंबर इज बिगर दैन द अनादर नंबर, दैट टाइम वी यूज दैट साइन. अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो या अगर हमें दिखाना है तो उस टाइम हम इस साइन का यूज करते हैं. देन सेकंड वन इज द दिस वन. ओके, सो ये साइन किसका है? सो दिस वन साइन इज लेस दैन. ओके, If any number is smaller than the another number, that time we use this sign. Okay, so ये sign less than का है. And the next one is the equal sign. If the numbers are equal, अगर दोनों number same हो तो हम ये sign use करते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? Equal. Okay, so यू शुड रिमेंबर दैट साइंस. आपको कंपेरिजन्स ऑफ नंबर सॉल्व करते समय ये साइंस आपको ध्यान में रखने हैं. ओके, नाउ वेन एवर वी सॉल्व द कंपेरिजन ऑफ नंबर्स वी शुड नो सम रूल्स. कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे 2 रूल्स दिए हैं. ओके, दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन रूल. सो इफ द नंबर of digits are different, then the number with more digit is greater. This one is the first basic rule of comparison of number. Just I tell you the one example.
मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल 69436, इट मीन्स 69,436, एंड नेक्स्ट इज 7,624. नाउ देयर आर टू नंबर्स, है ना. और हमारा रूल क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट देन द नंबर इज मोर डिजिट इज ग्रेटर. अगर दोनों डिजिट्स के नंबर अलग अलग हों, है ना. यहाँ पे देखो 69,400 ये अलग है, 7,624 अलग है, बट द नंबर विच हैव अ मोर डिजिट्स, जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स रहते हैं, सो इट इज ग्रेटर. चलो अभी हम इसको काउंट करके देखते हैं. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, हियर इज द 5 डिजिट एंड हियर 1, 2, 3 and 4. हियर इज द 4 डिजिट्स. ओके, नाउ वी पुट डाउन देयर प्लेस वैल्यू. अभी हम इसकी प्लेस वैल्यू रखते हैं. फॉर एग्जांपल वंस, टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. ओके, नाउ वी पुट डाउन द वैल्यू. ओके, व्हाट इज द वंस प्लेस, 6, देन 3, देन 100 प्लेस 4, द नेक्स्ट वन इज 9 एंड 10,000 प्लेस इज 6. नाउ वी शुड राइट इट अगेन. यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 4 डिजिट्स नंबर है, देन अगेन वंस, देन टेन्स, देन 100 एंड देन 1000. सो अगेन वी पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस नंबर इज 4, 2, 6 and 7. अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, सो देयर आर 4 डिजिट्स एंड हियर आर द 5 डिजिट्स. सो ऑब्वियसली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी वेल, है ना. यहाँ पे डिजिट्स ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, इज इट ग्रेटर दैन ये या फिर लेस देन. यस, टेल मी दैट वी शुड यूज द ग्रेटर देन. हो गया, देखो कितना ईजी है ना. तो आप ऐसे ही अलग अलग नंबर्स लेके ये आप अपने नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन फॉर्मूला, है ना. नेक्स्ट वन रूल इज, इफ द नंबर ऑफ द डिजिट्स आर सेम देन वी शुड स्टार्ट comparison of the digits from the left. What it tell us? If the number of digits are same, okay, अगर number और उसके digits अगर same रहें, so while comparison the digits we should start from the left. So let's we should solve one more example of the comparison. तो इसके लिए हमें एक नंबर लेना पड़ेगा. I just write here one number is 23,156 and next one is 23,456. आपको यहाँ पे दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 23,156. हेयर इज ऑल्सो 23,456. अभी इन दोनों में से हमें कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये फाइंड आउट करना है. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट, इट इज़ वेरी इजी. कैसे करोगे आप ये, फर्स्ट थिंग वी शुड काउंट द डिजिट्स. चलो इसको काउंट कर लेते हैं, है ना. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1, 2, 3, 4 and 5. कितने डिजिट्स है यहाँ पे, 5. देन नेक्स्ट यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे भी 5 डिजिट्स हैं. तो अभी हम इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, लेट्स वी पुट डाउन देयर वैल्यूज लाइक दिस. सो अगेन वी पुट डाउन फ्रॉम वंस, 10, 100, 1000 and 10,000. Okay, so let's put down the values. The ones value is 6,
then 500 places 1000 places 3 and 10000 places 2. ओके अभी हमने ये वैल्यूज भी पुट डाउन करी. नेक्स्ट वी शुड पुट डाउन अगेन द सेम. सो स्टार्ट विथ जीरो सॉरी वंस 10 100 1000 एंड 10000. सो वी शुड पुट डाउन द वैल्यूज. द वैल्यू ऑफ वंस इज 6 देन 5 देन 4 देन 3 एंड 10000 इज 2. नाउ वी शुड फाइंड आउट द डिफरेंस. अभी यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चलेगा. सो हियर इज 10000 हियर इज ऑल्सो 2 एंड हियर इज ऑल्सो 2. यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है ना. देन नेक्स्ट 1000 हियर इज ऑल्सो 3 एंड हियर इज ऑल्सो 3. ओके देन नेक्स्ट वन इज यहाँ पे देखो यहाँ पे 100 की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 1 है ना एंड यहाँ पे 4. देखो आपको क्या याद रखना है. व्हाइल डूइंग द कंपैरिजन ऑफ द डिजिट्स वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट. मैंने कंपैरिजन करते समय लेफ्ट से स्टार्ट किया है ना. राइट से स्टार्ट किया है क्या? नहीं, लेफ्ट से स्टार्ट किया है. सो फॉर दैट हियर इज़ द चेंज. यहाँ पे चेंज है ना. 100 की प्लेस पे हियर इज़ द 1 एंड हियर इज़ द 4. सो आपको तो पता ही होगा अगर हम 1 और 4 का देखें है ना. 1 एंड द 4. सो विच वन इज़ द बिगर. इनमें से कौन सा बड़ा रहेगा आपको तो पता है. सो 4 इज़ द bigger than the 1. So which sign we should use here? We use the this sign, है ना. Means the 23456 is bigger than the 23156. Okay. तो हमने ये दो rules पढ़े comparison of numbers के, जिसमें हमने दो examples solve किए और आपको सिंबल्स याद रखने हैं. दैट दिस वन इज़ द सिंबल ऑफ ग्रेटर दैन, दिस वन इज़ द सिंबल ऑफ लेस दैन एंड दिस वन इज़ द सिंबल ऑफ इक्वल. तो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही आप अलग अलग 4 डिजिट्स के लो या फिर 5 डिजिट्स के लो और अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखो. इन द फर्दर वीडियो वी विल डिस्कस विद द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड फॉर दिस टुडेज क्लास थैंक यू वेरी मच.